नमस्कार। आज हम बात करेंगे पति के संतुष्ट न होने के कुछ कारण। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त न्यू महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। काफी बार ऐसा होता है कि यंग कपल है, शादी होकर साल भर हुआ है और स्त्री संतुष्ट नहीं है। अब जब उसके डेप्थ में हम जाते हैं तो मालूम होता है कि पति संतुष्ट नहीं होता है, पति के ऊपर बहुत ज्यादा डिमांड डाली जाती है, वो संतुष्ट नहीं रहता है, उसका असर फिर परफॉर्मेंस पे होता है, वो कर नहीं पाता, बाद में स्त्री संतुष्ट होती नहीं। तो फिर ये कारण क्या है? ये सब जो विशेष साइकिल है कि पहले स्त्री संतुष्ट नहीं है, वो पति के ऊपर डिमांड डालती है, फिर पति संतुष्ट नहीं है, फिर वो स्त्री को संतुष्ट नहीं कर सकता, ऐसा विशेष साइकिल में कैसे फंस जाते हैं, तो वो हम आज देखने वाले हैं। क्या है कि सेक्स मतलब ऐसा नहीं है कि भाई वो कोई पुरुष ने उसको प्रूव करना है, प्रूविंग नहीं है कि देखो मैं मर्द हूं, ऐसा कोई प्रूव करने वाली बात नहीं होती है। यदि वो प्रूव करने वाली बात है और कोई प्रूव करना है मतलब सबूत देना का है कि मैं पुरुष हूं और सबूत देने के लिए उसको जाना है बेड के ऊपर, तो वैसा मत जाइएगा। कोई प्रूव करना नहीं है, कोई आपको जंग पे जाने का नहीं, युद्ध पे जाने का नहीं है, कुछ डोमिनेट करने का नहीं है, देखो मैं इतना मर्द में हूं, मर्दान की सिद्ध करना है, ऐसा भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ये गेम है सेक्स, बोले तो एंजॉयमेंट का एक साधन है और उसमें दोनों भी एंजॉय करते हैं, दोनों भी इक्वल जिम्मेदार है। ऐसा नहीं कि आदमी ने बहुत डोमिनेटिंग रहना चाहिए, प्रूव करना है, मर्दान की बताने का है, औरत ने सिर्फ पड़े रहने का है, जो करना है कर लो, जाना है जाओ, आना है आओ, ऐसा करके नहीं होता है। तो दोनों की जिम्मेदारी है। वाइफ ने मतलब पति ने ऐसा नहीं कहा तुम करो और मुझे आनंद दो, मैं पड़े रहूंगी, मुझे अच्छा लगना चाहिए, ऐसा करके भी नहीं होता, उसने इंटरेस्ट लेना जरूरी है। नंबर दो, अभी इसके लिए हमारे कल्चर में ऐसा है कि सेक्स के लिए शुरुआत जो है वो पति ने करना है, ऐसा एक भावना है, कल्चर है, क्योंकि वाइफ खुद होके उसने नहीं बोलना चाहिए, और वो खुद होके बोलती है तो पति के ऊपर प्रेशर आ जाता है। तो वो भावनाओं को रख के या वो एक अपना कल्चर रख के मद्देनजर रख के वाइफ ने डायरेक्टली डिमांड भी नहीं करना चाहिए कि करो आज करना है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या है कि समझो पति को थकान आई हुई है, टेंशन है, स्ट्रेस है, तो फिर वो करने के मूड में नहीं है और वाइफ डिमांड डालती है नहीं आपको करना ही है, क्यों नहीं कर रहे, तो और डाउन हो जाएगा वो और प्रॉब्लम आ जाएगा, फिर जबरदस्ती करेगा, कर नहीं सकेगा, फिर कर सकता नहीं, इसलिए फिर और प्रॉब्लम नए नए खड़े हो जाएंगे। ये दूसरा कारण है। तीसरा है कि आदमी की यदि इच्छा नहीं है तो औरत ने कभी फोर्स नहीं करना चाहिए, उसको प्रेशर नहीं डालना चाहिए, नहीं करना ही पड़ता है, ऐसा कोई कंपैरिजन करके या अपनी सहेली कैसी है उसका पूछ के वगैरह ऐसा कभी करना नहीं है, फोर्स करना नहीं है, प्रेशर डालना नहीं है, नहीं मेरी इच्छा हो रही है, ऐसा कैसे नहीं करते, आप तो करते ही नहीं है, अभी 8 दिन हो गए आपने तो किया ही नहीं है, ऐसा डिमांड डालेंगे, प्रेशर डालेंगे, फोर्स करेंगे तो होगा नहीं, फिर क्या होगा, उसको बहुत प्रेशर आएगा और प्रेशर दिमाग में है। मैं हरदम बोलता हूँ टेंशन दो में से एक ही जगह हो सकता है, ऊपर टेंशन है तो नीचे नहीं रहेगा, नीचे टेंशन है तो ऊपर नहीं रहना चाहिए, तो इस तरह का वो होता है। फिर चौथा जो है वो अलग अलग जगह पे करते हैं, समझो पुरुष को ऐसा लगता है पति को कि नहीं अलग जगह पे करना है, कभी सोफे पे करना है, कभी चेयर पे करना है, कभी और जगह बदलने का है, कभी कभी अलग बेड पे करना है, कभी जमीन पर करना है, कभी खड़े रखेगा ना अलग पोजीशन है, कभी नाइट ड्रेस में अलग, कभी बाहर जाने वाला ड्रेस जो है समझो उसमें करना। मैं तो हरदम बोलता हूँ कि भाई बेड के ऊपर ऐसा जाना चाहिए सदस्य के जैसे कोई शादी के रिसेप्शन में जा रहे हो, मतलब ऐसा जाना चाहिए, तो कभी वो पोजीशन में जा रहे हैं, वो ड्रेस पहन के जा रहे हैं, एकदम मेकअप करके जा रहे हैं। यूजुअली क्या होता है कि हमारे इसमें समाज में ऐसा है, हमारे कल्चर में समझ के चलो कि भाई बस अभी बेड पे जाना है, कपड़े मैले हुए हैं, दिन भर के थके हुए हैं, स्नान किया नहीं है, बास आ रहा है पसीने का और थकान भी है, मुंह को बास आ रहा है प्याज का लहसुन का, और ऐसे आप बेड पे जाते हो तो इसको कोई इंटरेस्ट आएगा नहीं। तो कभी भी ड्रेस चेंज करो, जगह चेंज करो, पोजीशन चेंज करो, किसको लाइट में अच्छा लगता है, किसको अंधेरे में अच्छा लगता है, किसको ब्लू लाइट में अच्छा लगता है, किसको ग्रीन लाइट में अच्छा लगता है, तो ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग पोजीशन में कर सकते हैं। कभी किसको लगता है कि नहीं होटल बुक करे वहाँ जाए और वहाँ करे, ऐसा भी किसको लगता है, कहीं अलग मतलब कहीं और कहीं जगह है कि जहाँ अपना और कोई जगह रहने की फ्लैट है वहाँ जाके कर सकते हैं, तो ऐसी अलग अलग जगह रहा तो उसमें इंटरेस्ट आता है और उसमें वो खुश रह सकता है पति। फिर पत्नी की ऐसी एक्सपीरियंस हो सकती है पॉर्न देख के या अपने सहेलियों को सुन के, पॉर्न देख के उसको ऐसा लगता है कि इतना लंबा होना चाहिए, इतना मोटा होना चाहिए, इतना जाड़ा होना चाहिए, इतना गिरना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ओरल सेक्स पहले करना ही चाहिए, किसको अच्छा लगता है किसको अच्छा नहीं लगता है, तो
तो पॉर्न देख के कभी भी अपनी अपेक्षाएं तैयार नहीं करना है। दूसरा, अपने सहेलियों को पूछ के या उनके साथ में चर्चा करके अपनी अपेक्षाएं खड़ी नहीं करना है। सहेलियां कभी भी फूंक मार सकती है, हमने तो कल रात को चार बार किया, आपने कितने बार किया? अरे मेरे तो हस्बैंड ने एक ही बार किया, फिर तुम्हारा तो होता ही नहीं, इसका मतलब वो चिढ़ाएंगी, एक्चुअली चार बार उसको हुआ ही नहीं है। तो कभी सहेली से कंपैरिजन मत करो, सहेली के बहकावे में मत आओ, अपना जो है वो बराबर है, अपनी भूख शांत हो रही है कि नहीं वो देखना है, अपनी इच्छाएं शांत हो रही कि नहीं वो देखना है, बस बाकी कंपैरिजन कभी किससे करना नहीं है। फिर कभी कभी क्या होता है औरतों को कि दिन भर आदमी हाथ में आया नहीं, मतलब दिन भर बहुत बिजी था सुबह से रात तक, रात में आया खाना खाया चलो बेड पर जाते हैं, फिर बेड पर जाने के बाद में फिर वो दिन भर की सब बातें वहाँ निकालती है, बच्चों ने कैसे तंग किया, फिर सास ने कैसे कमेंट्स पास किया, फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अपने को बिल्स पेमेंट करना है, उसका क्या है, मतलब ऐसे टेंशन वाली बातें। यदि आप बेड पर जाने के बाद में जब सेक्स करना है तब आप मतलब वहाँ डिस्कस करते तो प्रॉब्लम हो जाएगा, वो टेंशन वाली बातें सुन के हस्बैंड का दिमाग खराब होगा, उसके सेक्स थॉट्स नहीं आएंगे, सेक्सुअल थॉट नहीं आएंगे तो इरेक्शन नहीं होगा, परफॉर्म नहीं कर पाएगा, और इधर स्त्री वो भी करेंगी नहीं करना तो चाहिए ऐसा प्रेशर भी डालेंगी तो होगा नहीं और प्रॉब्लम्स तैयार हो जाएंगे। तो कोई भी चीज़ बेड पर लेके जाने का नहीं है, कोई भी झंझट झगड़ा फाइट कुछ भी नहीं, बेड पर जाएंगे तो बाकी कुछ भी चर्चा होंगे नहीं, नो फोन कॉल्स नो मोबाइल कॉल्स कुछ भी नहीं। बेड पर जाते हैं तो बिल्कुल पूरा एक ही दिमाग में है कि भाई सेक्स करना है या तो सोना है, बस दो ही बातें बेड पर होती है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम बातें करते तो डेफिनेटली हस्बैंड के ऊपर प्रेशर आएगा नहीं, वो संतुष्ट रहेगा, और यदि हस्बैंड संतुष्ट रहता है तो पत्नी भी संतुष्ट हो जाएगी, दोनों का सेक्स लाइफ अच्छा हो सकता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर सभी नौजवान लोगों को शेयर करो, मिडिल एज लोगों को शेयर करो, क्योंकि प्रॉब्लम्स उनमें ज़्यादा हैं ये, ताकि उनकी जिंदगी बच जाएगी। थैंक यू वेरी मच।